Three plane mirrors are present along the three adjacent walls which are mutually perpendicular. Find the number of images of an object present in the room. एक रूम है, मान लेते हैं कि ये रूम है, इस तरह का रूम है मान लीजिए, और इसमें तीन एडजेसेंट वॉल्स, जैसे कि एक तो हम इस छत को ले लेते हैं, ये टॉप सरफेस जो है पहली वॉल तो ये, दूसरी साइड वॉल की हम बात कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और तीसरी वॉल जो ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है ना, जो कि अंदर वाली साइड होगी इसके और इसके साथ कॉन्टेक्ट में, ये बैक साइड पर जो पीछे वॉल है, वॉल नंबर थ्री, इनकी बात हम कर लेते हैं। इन तीनों पर क्या कर दिए गए हैं, मिरर लगा दिए गए हैं। ये तीनों दीवारें नहीं हैं बल्कि मिरर हैं, यूँ मान लें। तो इस रूम में एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर ओ, इसकी कितनी इमेजेस इन तीनों मिरर्स में मिलकर बन जाएंगी। तो भी पहले हम बात कर लेते हैं, इनमें से एक मिरर को आप छोड़ दें, टॉप सरफेस को छोड़ देते हैं मान लीजिए, इस सीलिंग को छोड़ देते हैं, छत को छोड़ देते हैं, और बाकी जो दीवारें हैं, दीवार नंबर टू और दीवार नंबर थ्री, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दो परपेंडिकुलर मिरर्स के कारण कितनी इमेजेस बनती हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप? मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आप 360 को दोनों मिरर्स के बीच के एंगल से डिवाइड करें, तो दोनों के बीच का एंगल है 90, इससे आपको मिल गया 4, ये एक इवन इंटीजर आ गया। तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाती हैं, 4-1 यानी कि 3। तो 90 डिग्री पर जब दो मिरर झुके होते हैं, जैसे कि ये दो मिरर हैं मान लीजिए, तो ये तीन इमेजेस बनाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने ये मिरर एक इमेज बना देता है I1, इसके सामने ये एक इमेज बना देता है ये वाला मिरर I2। अब इसका I1 जो है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये मिरर इस I1 की फिर से यहाँ पर इमेज बना देता है I3, और इसी तरह से ये मिरर जो है वो इस इमेज की वापस इमेज यहाँ I4 बनाता है। बट I3 और I4 कोइंसिडेंस हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, इसलिए हमें तीन ही इमेजेस मिलती हैं। तो ये जो दो दीवारें थी, वॉल नंबर टू एंड वॉल नंबर थ्री, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी और इसलिए तीन इमेज बनाएंगी, 1, 2, 3। तो तीन इमेजेस बन जाएंगी, एक इस वॉल के इधर, एक उस पीछे वाली वॉल के उधर और एक उस तरफ, इस तरह से तीन इमेजेस बन जाएंगी। अब तीसरा मिरर है जो इस कमरे की छत है, सीलिंग है। इस छत के लिए ये चारों चीज़ें, ऑब्जेक्ट और ये तीनों इमेजेस, ये चारों ही ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, और इसलिए इसकी चार इमेजेस ये छत बना देगी ऊपर की तरफ। तो चार इमेजेस तो ये हो गई जो छत ने बनाई, और तीन इमेजेस वो हो गई जो इन दोनों ने बनाई थी। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू दीज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स विल बी 7। तो ये 7 इमेजेस बनेंगी, ये हमारा आंसर हो गया।